यार मेरे प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं बिकी गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गुप्ता जीएस टीचिंग सेंटर में। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस का प्रैक्टिस एड नंबर 2, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल लेकर आए हैं। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल। सबसे पहला सवाल है कि एवोगाड्रो संख्या का मान क्या होता है। तो एवोगाड्रो संख्या का मान होता है 6.023 गुणे 10^23। क्या होता है? 6.023 गुणे 10^23, ये एवोगाड्रो संख्या का मान होता है। नेक्स्ट है कि दाब बढ़ाने पर एक तरल का क्वथनांक क्या होगा। तो दाब बढ़ाने पर एक तरल का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो मानव रक्त में ऑक्सीजन का जो परिवहन करता है वो कौन करता है? तो लाल रक्त कण यानी कि RBC, रेड ब्लड सेल। RBC का फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ब्लड सेल। इसका जीवन काल कितना RBC का? तो आपको पता होगा कि 120 दिन होता है RBC का जीवन काल। यानी कि मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन लाल रक्त कण यानी कि RBC करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। देखिए दोस्तों, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है। तो वसा में घुलनशील विटामिन है A, D, E, K। हम आपको बहुत बार पढ़ा चुके हैं कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा रहेगा, A, D, E, K। अगर पानी में घुलनशील बोले तो पानी में घुलनशील रहता है B और C। ठीक है, B और C पानी में घुलनशील है और वसा में घुलनशील विटामिन है A, D, E, K। अगर आपसे पूछे कि विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है थायमिन। ठीक है, और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? अस्कर्वी रोग होता है, जिसको मसूड़ों में खून निकलना। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछे विटामिन ए का रासायनिक नाम, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सिफिरॉल। ठीक है, और विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टेकोफिरॉल। और विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन। ठीक है, नेक्स्ट है कि ध्वनि की चाल है तो 760 मील प्रति घंटा। ठीक है, 760 मील प्रति घंटा ये ध्वनि की चाल होता है। ठीक है, अगर आपसे ध्वनि का चाल पानी में पूछे, हवा में ध्वनि की चाल पूछे, तो कितना होगा? 332 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, हवा में ध्वनि चाल कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकेंड, ये हवा में होता है। और ध्वनि की चाल अगर नॉर्मल पूछे तो 760 मील प्रति घंटा। नेक्स्ट है कि एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है? तो बॉक्साइट। ठीक है, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है बॉक्साइट। अगर आपसे एल्युमिनियम का संकेत क्या होता है, तो AL। ठीक है, AL एल्युमिनियम का संकेत होता है। इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या कितना होता है? होता है 13। ठीक है, 13 होता है। ठीक है, तो एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है बॉक्साइट का। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है कि प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किए जाते हैं तो कीड़ों के स्राव के रूप में। ठीक है, यानी कि प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किए जाते हैं तो कीड़ों के स्राव के रूप में प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि कार बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल का, यानी कि कार बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल इस्तेमाल किया जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है H2SO4। क्या होता है? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है और कार बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है कि हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन निकलता है तो अपटू ग्रंथि से। कहाँ से निकलता है? अपटू ग्रंथि से निकलता है हमारे शरीर में, यानी कि नियंत्रित करने वाला हार्मोन, यानी कि हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन निकलता है तो अपटू ग्रंथि से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला है। देखिए अगला क्या बोल रहा है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है। तो बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट है ये टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट है कि मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब होता है तो वास्तविक एवं उल्टा। ठीक है, यानी कि मानव के नेत्र पर जो बना प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? तो ये वास्तविक होता है एवं उल्टा होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अगला सवाल है, अगला सवाल बोल रहा है कि पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार कितना है। तो लगभग 2.5%, यानी कि पृथ्वी और कुल भी जितना भी जल है उसमें मीठे पानी का कितना भंडार है? तो 2.5% है लगभग में। ठीक है, नेक्स्ट है कि दूध की शुद्धता मापी जाती है तो लैक्टोमीटर से। ठीक है दोस्तों, यानी कि दूध की जो शुद्धता है वो किससे मापी जाती है? लैक्टोमीटर से। अच्छा, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? तो दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। ठीक है, दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या?
क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन सी की कमी से अस्कर्बी रोग होता है, जिसको बोलते हैं मसूड़ों से खून निकलना। ठीक है, तो दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। ठीक है, दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता। और दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो दूध में केसिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, केसिन। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है तो डेसीबल में। ठीक है, ये जो ध्वनि का जो शोरगुल का मापन किया जाता है किसमें किया जाता है, तो डेसीबल में किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला है कि बायोगैस में मुख्यतः होता है तो मीथेन होता है, जिसको CH4 बोलते हैं। मीथेन को ही गोबर गैस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गोबर गैस कहा जाता है या फिर मार्स गैस कहा जाता है मीथेन को ही। ठीक है, तो बायोगैस में मुख्यतः क्या होता है, मीथेन हो जाता है। इसको रासायनिक सूत्र क्या होता है, CH4। ठीक है, गोबर गैस कहा जाता है, मार्स गैस मीथेन को ही कहा जाता है। नेक्स्ट है कि माइक्रोफोन का आविष्कार किया था तो ग्राहम बेल ने। ठीक है, यानी कि माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था, तो ग्राहम बेल ने माइक्रोफोन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है कि मधुमेह रोग होता है तो इंसुलिन की कमी से। ठीक है, आपको सवाल भी पूछा होगा कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। तो देखिए अगला सवाल है कि अस्कर्वी रोग होता है तो विटामिन सी की कमी के कारण। ठीक है, यानी कि विटामिन सी की कमी के कारण अस्कर्वी रोग होता है, और विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, और अस्कर्वी रोग में ही मसूड़ों से खून निकलता है। ठीक है दोस्तों, तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, अस्कर्वी रोग, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट है कि सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आता है। ठीक है, चंद्रमा अगर सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आएगा तो सूर्य ग्रहण लगेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच आएगा तो क्या लगेगा, सूर्य ग्रहण लगता है। नेक्स्ट है कि पेसमेकर संबंधित है तो हृदय से, यानी कि पेसमेकर जो है हृदय की धड़कन को मापता है, या ये भी ऐसे कर याद कर सकते हैं कि पेसमेकर संबंधित है हृदय से, और हृदय से यानी कि पेसमेकर हृदय की धड़कन को मापता है। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए अगला सवाल मेरे सामने क्या है, तो अगला सवाल जो है आपके सामने वो रहा ये कि विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है। तो विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2। इसको आप ऐसे लिखा हुआ है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं CaOCl2। ये पढ़ने में थोड़ा आसानी होगा। CaOCl2 ये विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है, और विरंजक चूर्ण को ही हम लोग ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। नेक्स्ट है कि हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते, क्योंकि दोनों के कार्बन परमाणु की जो संरचना है ये पृथक पृथक होती है, यानी कि अलग अलग होती है। दोनों के कार्बन परमाणु की संरचना पृथक पृथक होती है, यानी कि अलग अलग होती है हीरा और ग्रेफाइट का। जैसे कि कार्बन के कितने अप्रूप है, दो, हीरा और ग्रेफाइट, ये भी याद रख सकते हैं। कार्बन के कितने अप्रूप है, दो अप्रूप है हीरा और ग्रेफाइट। हीरा का पर्तनांक कितना होता है, तो 2.42 होता है। ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा पर्तनांक होता है हीरा का, कितना होता है, 2.42। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए अगला सवाल है कि प्राकृतिक बहुलक है तो रबर का, यानी कि प्राकृतिक बहुलक किसका है, तो रबर का प्राकृतिक बहुलक है। नेक्स्ट है कि कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है, यानी कि कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। तो देखिए अगला सवाल है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है तो मृदु लोहा। ठीक है, यानी कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त क्या होता है, मृदु लोहा का इस्तेमाल किया जाता है विद्युत चुंबक बनाने के लिए। नेक्स्ट है कि मस्तिष्क और मेरुरज्जू को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आ जाने से कौन सा रोग होता है, तो मेनिनजाइटिस रोग होता है। कौन सा रोग होता है, मेनिनजाइटिस, यानी कि मस्तिष्क और मेरुरज्जू को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आ जाने से कौन सा रोग होता है, तो मेनिनजाइटिस रोग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अगला सवाल देखते हैं कि द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है, तो किलोग्राम। ठीक है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है यानी कि केजी इसको बोलते हैं। ठीक है, द्रव्यमान को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो मास बोलते हैं। ठीक है, इसको एम से सूचित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि पौधों और जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन का नाम है बायोजियोग्राफी। ठीक है, पौधों और जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन का नाम क्या है, बायोजियोग्राफी। नेक्स्ट है कि क्षेत्रफल एक राशि है, अदिश राशि। ठीक है, क्षेत्रफल एक क्या है, अदिश राशि है। अच्छा, सदिश और अदिश किसे कहते हैं, सदिश उसे कहते हैं जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो। ठीक है, क्या हो, परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, उसमें क्या बोलते हैं, सदिश राशि बोलते हैं, अदिश राशि बोलते हैं। जिसमें परिमाण नहीं हो और सिर्फ दिशा हो तो उसे अदिश राशि बोलते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल क्या हो जाता है, अदिश राशि है। अगर आपसे सदिश पूछे तो संवेग, ठीक है, संवेग क्या है, तो ये सदिश राशि है। वेग क्या है, ये भी सदिश राशि है। ठीक है, त्वरण क्या है, तो ये भी सदिश राशि है। ठीक है दोस्तों,
तो ये सदिश और अदिश से सवाल बहुत ज़्यादा पूछता है, जिसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला सवाल है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह क्या है, तो बृहस्पति, ठीक है। बृहस्पति जो है ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। आपसे सबसे छोटा ग्रह पूछे तो बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है। लाल ग्रह किसे कहा जाता है, तो मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद पृथ्वी को क्या कहा जाता है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। वरुण को ठंडा ग्रह कहा जाता है, ठीक है। और शुक्र को गर्म ग्रह कहा जाता है। शुक्र को गर्म ग्रह, भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन भी कहा जाती है शुक्र ग्रह को, ठीक है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है, ठीक है दोस्तों। तो आप ऐसे आ सकते हैं कि यानी बृहस्पति ऐसे सूर्य सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो बुध जो है सबसे सूर्य का सबसे नजदीक है, इसीलिए सूर्य बुध सबसे 88 दिनों में चक्कर लगा लेता है। कितने दिनों में, तो 88 दिनों में चक्कर लगा लेता है। दो ऐसे उपग्रह का नाम बताइए जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र, ठीक है। बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक है। अब मंगल का दो उपग्रह है, कौन कौन सा है, तो फोबोस और डिमोस। पृथ्वी का एक उपग्रह है, कौन सा है, तो वो है चंद्रमा। अच्छा, बृहस्पति का सबसे बड़ा ग्रह का क्या नाम है, तो बृहस्पति के सबसे बड़ा ग्रह का नाम है गैनीमेड, और शनि के सबसे बड़ा ग्रह का नाम है टाइटन, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है कि अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। यानी हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट है कि प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत है, तो सोयाबीन एवं मशरूम, ठीक है। सोयाबीन एवं मशरूम जो है ये प्रोटीन का सबसे अधिक, यानी कि सोयाबीन एवं मशरूम में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल, तो अगला सवाल है कि देखिए अगला सवाल क्या बोल रहा है मेरे सामने, कि ध्वनि तरंग यात्रा नहीं कर सकती, तो निर्वात से होकर, ठीक है। यानी कि निर्वात से होकर ध्वनि तरंग जो है यात्रा नहीं कर सकती है। नेक्स्ट है कि अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखता है, तो काला, ठीक है। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखता है, काला, ठीक है। अच्छा, पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा जाता है, तो पृथ्वी को हमेशा नीला ग्रह कहा जाता है, याद रखिएगा, पृथ्वी को नीला, और अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष जो है कैसा दिखता है, काला दिखता है। नेक्स्ट है कि रक्तदाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर का, यानी कि रक्तदाब, रक्त को दाब को यानी कि मापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे रक्त का पीएच मान पूछे तो 7.4 होता है, कितना होता है, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, और रक्त को दाब को मापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अगला सवाल देखते हैं, देखिए अगला सवाल है कि रेडियन किसकी इकाई है, तो कोण का, ठीक है। रेडियन जो है कोण की इकाई है। नेक्स्ट है कि खून की कमी को कहा जाता है, तो एनीमिया रोग, यानी खून की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया रोग हो जाता है, याद रखिएगा कि खून की कमी से एनीमिया रोग होता है। अच्छा, खून में खून का पीएच मान कितना होता है, 7.4, ठीक है, यह आपको वही बताए हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि भारी पानी शब्द किसका सूचक है, यानी भारी जल, डिटोरियम ऑक्साइड, D2O, क्या होता है इसका सूत्र, D2O, D2O रासायनिक सूत्र होता है, और डिटोरियम ऑक्साइड ये रासायनिक नाम होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि भारी जल का रासायनिक नाम क्या होता है, डिटोरियम ऑक्साइड, और D2O इसका रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला सवाल देखते हैं, तो देखिए दोस्तों अगला सवाल क्या बोल रहा है, ठीक है। तो अगला सवाल मेरे सामने है कि विटामिन जो आंखों के लिए अच्छा स्रोत है कौन सा है, तो विटामिन ए, यानी विटामिन ए जो है ये आंखों के लिए सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है, और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, तो रेटिनॉल होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, क्या होता है, रतौंधी, याद रखिएगा कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, ठीक है। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है, तो गाजर जो है विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है, तो विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है आंवला, ठीक है। नेक्स्ट है कि कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन B12 में, ठीक है, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, याद रखिएगा कोबाल्ट का संकेत क्या होता है, CO। अच्छा, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन, ठीक है। सवाल ऐसे भी पूछेगा आपसे एग्जाम में कि कौन सा विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन B12 में क्या पाया जाता है, कोबाल्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल, अगला सवाल है आपके सामने कि आवेश की मात्रा का मात्रक है, यानी कि आवेश की मात्रा का मात्रक है एम्पियर सेकेंड, क्या होता है, आवेश की मात्रा का मात्रक होता है एम्पियर सेकेंड। नेक्स्ट है कि डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है, तो नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, तो अल्फ्रेड नोबल ने, याद रखिएगा कि अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था, किसने किया था, अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था, और डायनामाइट में मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। नेक्स्ट है कि शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है, तो आयरन की कमी से, ठीक है। यानी कि शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है किसकी कमी से, तो आयरन की कमी से, ठीक है। अच्छा,
आयरन यानी कि आयरन का संकेत क्या होता है, आयरन का संकेत होता है Fe और इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 26 होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। तो देखिए अगला सवाल क्या है आपके सामने, कि अगला सवाल है कि नींबू में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है। तो नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, कौन सा अम्ल पाया जाता है, नींबू में साइट्रिक अम्ल, ठीक है। दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, उसी तरह से नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। चींटी के डंक में, तो चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक है नाइट्रोजन। याद रखिएगा कि सवाल ये आप समझ में नहीं आ रहा था, आपसे ये समझिए कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व यानी कि सबसे सर्वाधिक तत्व कौन सा पाया जाता है, तो वो पाया जाता है नाइट्रोजन, कितना परसेंट, तो 78%। उसके बाद पाया जाता है ऑक्सीजन, कितना परसेंट, तो 21%, ठीक है। 21% ऑक्सीजन होता है और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.003%, ठीक है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट पाया जाता है, 0.003%, ऑक्सीजन कितना पाया जाता है, 21%, और नाइट्रोजन 78%, और बाकी कुछ अन्य गैसें भी पाई जाती है, ठीक है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना परसेंट, 78%, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल है। अगला सवाल है कि गैसोहोल बनता है, तो पेट्रोल तथा इथेनॉल के मिश्रण से, यानी कि पेट्रोल तथा इथेनॉल के मिश्रण से गैसोहोल बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है, तो अंधापन जो है ये विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है। रतौंधी रोग होता है विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए का सही नाम क्या होता है, रेटिनॉल। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है, तो गाजर जो है विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखते हैं अगला है कि कार्बन के दो मुख्य अपरूप कौन कौन से हैं, तो हीरा और ग्रेफाइट, ठीक है। हीरा और ग्रेफाइट जो है ये कार्बन के दो मुख्य अपरूप है, याद रखिएगा, ठीक है। कार्बन का संकेत क्या होता है, तो कार्बन का संकेत होता है C और इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 6 होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। देखिए अगला सवाल है कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, तो फीमर की हड्डी, ठीक है। फीमर की हड्डी होती है सबसे, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी। अगर आपसे पूछेगा कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी, तो अस्टेपस होती है, क्या होती है, अस्टेपस जो होती है शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। यहाँ कहाँ पाई जाती है, तो ये कान में पाई जाती है। ये फीमर कहाँ पाई जाती है, तो ये जांघ में पाई जाती है फीमर, ठीक है। तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर, जिसको बोलते हैं जांघ की हड्डी, और सबसे छोटी पाई जाती है अस्टेपस, वो कहाँ पाई जाती है, तो कान में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 206 होती है, ठीक है। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट है कि प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो दूरी का, ठीक है। प्रकाश वर्ष जो है किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। ये आपको इंपॉर्टेंट सवाल हमेशा पूछते रहता है। नेक्स्ट है कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, तो एंडरसन ने, ठीक है। एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी, कब किसने किया था, तो पॉजिट्रॉन ने, एंडरसन ने की खोज की थी। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो दूरी का मात्रक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि पानी का अधिकतम घनत्व होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। पानी का जो अधिकतम घनत्व है किस पे होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है पानी का अधिकतम घनत्व। नेक्स्ट है कि सूर्य की परावैज्ञानिक किरणों से पृथ्वी की रक्षा कौन करता है, तो ये करता है ओजोन परत, ठीक है। यानी कि सूर्य की परावैज्ञानिक किरणों से पृथ्वी की रक्षा कौन करता है, ओजोन परत करता है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है। अगला सवाल आपके सामने ये रहा कि डायनमो का आर्मेचर बना होता है, तो इस्पात से, ठीक है। डायनमो का जो आर्मेचर बना होता है किसका बना होता है, तो इस्पात का बना होता है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है, उसका वजन चांद पर क्या होगा, तो 10 होगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 100 न्यूटन हो जाएगा। यानी 600 न्यूटन है, तो उसका कितना हो जाएगा, 600, यानी कि 1/6 क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। याद रखिएगा कि 1/6 कम हो जाता है, ठीक है दोस्तों। अगर आपका पृथ्वी पर वजन 60 किलो के हैं आप, तो आप जब चंद्रमा पर जाइएगा तो आपका 10 किलो हो जाएगा। याद रखिएगा कि 1/6 क्या हो जाता है, कम जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है कि सोना का अपेक्षित घनत्व क्या है, तो 19.30 ग्राम पर क्यूब, ठीक है। सोना का अपेक्षित घनत्व क्या है, 19.30 ग्राम पर क्यूब जो है ये सोना का अपेक्षित घनत्व है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का। सोना का संकेत क्या होता है, तो AU जो होता है सोना का संकेत होता है, इसका एटॉमिक नंबर 79 होता है। नेक्स्ट है कि ठोस कोण की इकाई क्या है, तो अस्टेरेडियन, ठीक है। अस्टेरेडियन जो है ये ठोस कोण की इकाई है। चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों आपके सामने ये रहा अगला सवाल। अगला सवाल जो है
कि हर्ट्ज मात्रक है, तो किसका, तो आवृत्ति का। हर्ट्ज किसका मात्रक है, हर्ट्ज जो है ये आवृत्ति का मात्रक है। मैं जो भी आपको सवाल करवा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और अक्सर एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। अगर आप वीडियो नहीं देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। नेक्स्ट है कि किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फारेनहाइट पैमाने का माप समान होता है, तो -40 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, -40 डिग्री सेल्सियस पर सेंटीग्रेड और फारेनहाइट का जो पैमाने का जो मान होता है, वो माप जो होता है वो क्या होता है, समान होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है कि डीएनए के मूल मात्रक है, तो न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, यानी कि डीएनए के मूल मात्रक कौन है, न्यूक्लियोटाइड्स जो है डीएनए के मूल मात्रक है। डीएनए, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए का फुल फॉर्म होता है। आरएनए का क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। तो देखिए अगला सवाल जो बोल रहा है कि ऊर्जा संरक्षण के नियम क्या है, तो ऊर्जा का संरक्षण का नियम है कि ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जाता है, केवल संचरित किया जा सकता है। यानी कि ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जाता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में उसका स्थानांतरण किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट है कि रेल पटरी पर जोड़ पट्टी यानी कि फीस प्लेट्स का प्रयोग किसके लिए होता है, तो दो पटरियों को जोड़ने के लिए। ठीक है, यानी कि रेल पटरी पर जोड़ जो पट्टी दिया जाता है ये दो पटरियों को जोड़ने के लिए दिया जाता है। आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप उतने समझदार हैं। नेक्स्ट है कि डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो डॉक्टर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था 1930 में, और किसके लिए किया गया था, तो भौतिक शास्त्र के लिए। याद रखिएगा कि सीवी रमन को पहले भौतिक शास्त्र थे जिनको दिया गया था, कब दिया गया था, 1930 को, और भौतिक शास्त्र में दिया गया था नोबेल पुरस्कार। ठीक है, अच्छा नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1921 से। ठीक है, 1921 से नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है कि समुद्री मील किसकी दूरी की एक इकाई है, तो नौवहन का। ठीक है, समुद्री मील जो है ये किसकी दूरी की इकाई है, नौवहन का। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल है कि सर्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया, तो किसने दिया था, तो न्यूटन ने। ठीक है, सर्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था, तो न्यूटन ने दिया था। नेक्स्ट है कि फ्रायड का संबंध है सांख्यिकी से। ठीक है, फ्रायड का जो संबंध है ये किससे है, सांख्यिकी से। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल है कि परमाणु रिएक्टर को ईंधन के रूप में प्रयोग करता है, तो यूरेनियम। ठीक है, परमाणु रिएक्टर को ईंधन के रूप में कौन प्रयोग करता है, तो यूरेनियम जो है परमाणु रिएक्टर को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम संकेत क्या होता है, UR यूरेनियम का संकेत होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल है कि चंद्र ग्रहण लगता है जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में आ जाती है। ठीक है, पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में जब आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लगता है, क्या लगता है, चंद्र ग्रहण। ठीक है, नेक्स्ट है कि आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग को अधिक बिखरता है। ठीक है, यानी कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, क्योंकि वायुमंडल अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग को अधिक बिखरने के कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला सवाल है कि यातायात बत्ती में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक लंबा होता है, यानी कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक लंबा होता है, इसीलिए यातायात बत्ती में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है, अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल बोल रहा है कि एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ जाता है केशिकत्व क्रिया के कारण। ठीक है, केशिकत्व की क्रिया के कारण एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। याद रखिएगा कि केशिकत्व जो है, ठीक है, कैपेबिलिटी, ये क्या होता है, तो एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ जाने के कारण केशिकत्व क्रिया के कारण होता है। नेक्स्ट है कि मृदा विज्ञान जिसको पेडोलॉजी बोलते हैं किसका अध्ययन किया जाता है, यानी कि मृदा विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, तो मृदा का, यानी कि मिट्टी का। ठीक है, मृदा विज्ञान में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, अगला सवाल है कि न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से व्यंजक प्राप्त होता है, तो बल का। ठीक है, यानी कि न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से क्या व्यंजक प्राप्त होता है, तो बल का प्राप्त होता है। बल का क्या होता है, इंग्लिश फोर्स होता है, क्या होता है, फोर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। तो देखिए अगला सवाल क्या है आपके सामने, तो अगला सवाल जो है, सवाल है कि सौर जगत में वृहत्तम क्षुद्रतम तथा सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन है, तो वृहत्तम यानी सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, सबसे छोटा ग्रह बुध है, और शुक्र जो है सबसे चमकीला ग्रह है। याद रखिएगा कि बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है, और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो बुध है, और सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो शुक्र जो है सबसे चमकीला ग्रह है। ठीक है,
आप यहाँ से ये समझिए कि बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो गेनीमेड, ठीक है, गेनीमेड जो है, ठीक है, गेनीमेड ये बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है। और बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है, यानी कि इनका कोई भी उपग्रह जो है नहीं है बुध और शुक्र का है, ठीक है। पृथ्वी का एक उपग्रह है, कौन सा है, तो वह चंद्रमा। मंगल के दो उपग्रह हैं, कौन कौन से हैं, तो फोबोस और डिमोस, ठीक है, फोबोस और डिमोस मंगल का दो उपग्रह है, ठीक है। सबसे बड़ा गैनीमेड, अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो गैनीमेड सबसे छोटा कौन सा है, तो डिमोस, ठीक है। शनि का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो वो है टाइटन, ठीक है। नेक्स्ट है कि एंजाइम मूलतः होते हैं, तो प्रोटीन, यानी कि एंजाइम मूलतः कैसे होते हैं, तो प्रोटीन होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला सवाल है कि कौन मानव यकृत का कार्य नहीं करता, तो हार्मोनों का नियमन, यानी कि कौन मानव यकृत का कार्य नहीं करता, कार्य नहीं है, तो ये हार्मोनों का निर्माण जो है ये मानव यकृत का कार्य नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन के लिए सत्य है, तो श्वसन से प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होता है, यानी कि श्वसन से प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होता है, यानी कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन के लिए सत्य क्या है, तो श्वसन से प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो अगला सवाल है कि 27 डिग्री सेल्सियस पर एक गैस का दाब पारे का 75 सेमी स्क्वायर है, जिस तापक्रम पर दाब दुगना होगा जब आयतन को स्थिर रखा जाएगा, 327 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 327 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, यानी कि 327 डिग्री सेल्सियस पर दाब दुगना होगा जब आयतन को स्थिर रखा जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि यदि विस्थापन, यानी कि इसका विस्थापन का संकेत क्या होता है, डी बल का एफ होता है, यानी कि फोर्स की दिशा में है, तो किया गया कार्य होगा अधिकतम एवं घनात्मक होगा, यानी कि यदि विस्थापन बल्ब की दिशा में है तो किया गया कार्य क्या होगा, अधिकतम एवं घनात्मक। नेक्स्ट है कि सरल आवर्त गति में आयाम जिसको ए बोलते हैं, वो अवधि टी के साथ अधिकतम वेग, यानी कि 2πa/t होता है, क्या होता है, 2πa/t, यानी कि सरल आवर्त गति में आयाम ए एवं अवधि टी के साथ अधिकतम वेग 2πa/t होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला सवाल है कि एक कूलाम आवेश बराबर होता है, तो 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक कूलाम आवेश बराबर कितना होता है, 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट है कि किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल, तो अगला सवाल है कि किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है, तो फैराड किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है, ये सवाल रिपीट हो गया, तो देखिए दो बार रिपीट हो गया है, ठीक है। सवाल है कि किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ठीक है, ये सवाल फिर से रिपीट हो गया, इसका आंसर भी गलत है, यानी कि किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ये आप यहाँ से तो याद कर चुके हैं। नेक्स्ट है कि प्रसर्व ध्वनि की आवृत्ति है, तो 20,000 कंपन प्रति सेकंड के ऊपर, यानी कि प्रसर्व ध्वनि की जो आवृत्ति होती है वो 20,000 कंपन प्रति सेकंड से ऊपर होती है। नेक्स्ट है कि 100 वाट 250 वोल्ट निहित चिन्ह बल्ब से होकर प्रवाहमान धारा क्या है, तो 0.4 एम्पियर, क्या होता है, 0.4 एम्पियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि दाब की बीमा क्या है, तो देखिए दाब की बीमा है MLT/2, यानी कि MLT2, यानी कि दाब की बीमा क्या होता है, MLT2, ठीक है। नेक्स्ट है कि रॉकेट किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है, तो रेखीय संवेग संरचना के सिद्धांत पर, यानी कि रेखीय संवेग संरचना के सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला सवाल है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, तो 1 यूनिट के बराबर होता है, यानी कि 1 किलोवाट जो घंटा है ये 1 यूनिट के बराबर होता है। नेक्स्ट है कि एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी होती है, तो चिन्ह में घनात्मक होती है, ठीक है, यानी कि एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी चिन्ह में क्या होती है, तो चिन्ह में घनात्मक होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला सवाल है कि रडार निकाय का प्रयोग करता है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों, यानी कि रडार निकाय का प्रयोग किया जाता है विद्युत चुंबकीय तरंगों के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, तो अगला सवाल देखिए आपके सामने क्या है, तो अगला सवाल है कि विद्युत चुंबकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग के वेग क्या होते हैं, तो बराबर होते हैं, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग के वेग क्या होते हैं, बराबर। नेक्स्ट है कि एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है, तो पवन का वेग मापने में,
ठीक है। एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है पवन के वेग मापने में, एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि विद्युत रोधी माइका का परावैद्युत गुणांक क्या है, 6.7 है। क्या है यानी विद्युत रोधी माइका का परावैद्युत गुणांक क्या है, 6.7। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला सवाल है कि जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है, तो जिप्सम का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट। क्या है जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaSO4 2H2O। ठीक है, CaSO4 2H2O ये जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है और रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट। नेक्स्ट है कि आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए क्या उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो हाइग्रोमीटर। ठीक है, यानी कि आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। तो अगला सवाल है कि निकट दृष्टि दोष का सुधार किया जा सकता है, तो कॉनकेव लेंस द्वारा यानी कि अवतल लेंस के द्वारा। ठीक है, निकट दृष्टि दोष का सुधार किया जा सकता है अवतल लेंस के द्वारा। ठीक है, और दूर दृष्टि का दोष का सुधार किया जा सकता है उत्तल लेंस के द्वारा। किसके द्वारा, तो उत्तल लेंस के द्वारा दूर दृष्टि का, और निकट दृष्टि दोष का अवतल लेंस के द्वारा सुधार किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल के अधिक के कारण दिल का दौरा पड़ता है। याद रखिएगा कि शरीर में अगर कोलेस्ट्रॉल अधिक हो जाएगा, ठीक है, तो वो दिल का दौरा पड़ेगा। क्या पड़ेगा, दिल का दौरा पड़ता है कोलेस्ट्रॉल के अधिक होने के कारण। नेक्स्ट देखेंगे। अगला सवाल है कि गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो मीथेन गैस। ठीक है, गोबर गैस प्लांट में मीथेन गैस उत्पन्न होती है। मीथेन का सूत्र क्या होता है, CH4। मीथेन को ही मार्स गैस बोलते हैं, ठीक है, और गोबर गैस को ही मीथेन बोला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि पृथ्वी सूर्य से परिशुद्ध मात्रा में ऊर्जा किस रूप में प्राप्त करती है, तो अवरक्त तथा ताप ऊर्जा के से प्राप्त करती है। यानी कि सूर्य जो है, यानी कि पृथ्वी सूर्य से परिशुद्ध मात्रा में ऊर्जा किस रूप से प्राप्त करती है, तो अवरक्त ताप ऊर्जा के माध्यम से प्राप्त करती है पृथ्वी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला है कि इलेक्ट्रॉनों की खोज निम्न द्वारा की गई है, तो जे थॉमसन के द्वारा। ठीक है, जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई है। किसके द्वारा, तो जे थॉमसन के द्वारा। नेक्स्ट है कि किसी पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति में स्वतंत्र है, तो सहंती। ठीक है, यानी किसी पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति में स्वतंत्र है, सहंती। नेक्स्ट है कि ग्रेनाइट किस में पाया जाता है, तो अग्नेय सेल में। यानी कि ग्रेनाइट जो है अग्नेय चट्टान में पाया जाता है। क्या, ग्रेनाइट। नेक्स्ट है कि मनुष्य जब सांस लेता है तो औसतन कितना डेसिबल शोर होता है, तो 0.5 डेसिबल शोर होता है। यानी कि मनुष्य जब सांस लेता है तो औसतन 0.5 डेसिबल शोर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। तो अगला है कि उद्योगों में प्रयुक्त रसायनों का प्रचुर स्रोत है कोल तार। यानी कि उद्योगों में प्रयुक्त रसायनों का प्रचुर स्रोत क्या है, कोल तार है। नेक्स्ट है कि सामान्यतः विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस कौन सा है, नाइट्रोजन और आर्गन। ठीक है, नाइट्रोजन और आर्गन जो ये सामान्यतः विद्युत बल्ब में भरा जाता है। नाइट्रोजन का संकेत क्या होता है, नाइट्रोजन का संकेत होता है N और इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 7 होता है। आर्गन क्या है, तो आर्गन एक अक्रिय गैस है। अच्छा, पूछिएगा कि वर्तमान में अक्रिय गैस कितने हैं, तो अक्रिय गैस 6, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, ज़ीनॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, ज़ीनॉन, ये 6 ऐसे हैं जो ये क्या है, तो ये निष्क्रिय गैस है। और रेडॉन जो है ये वायुमंडल में नहीं पाया जाता, ये धरती पर पाया जाता है, क्योंकि रेडॉन बहुत भारी अक्रिय गैस है। सबसे हल्का कौन है, आर्गन, ये पृथ्वी पर जो ये वायुमंडल में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरी होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो अगला सवाल है कि भविष्य का ईंधन कौन सा है, यानी कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, हाइड्रोजन को। ठीक है, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है, याद रखिएगा। अच्छा, ये बताइए कि ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा तत्व कौन सा पाया जाता है, तो वो पाया जाता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है, 71%। और आपसे पूछेगा कि हीलियम कितना पाया जाता है, तो हीलियम पाया जाता है 26%, और बाकी अन्य गैसें पाई जाती है। सूर्य किन दो तत्वों से मिलकर बना है, तो हाइड्रोजन और हीलियम। यानी कि सूर्य जो है, सूर्य यानी कि सन, दो तत्वों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन 71% और हीलियम 26%। ठीक है, और भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है, तो जल का। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में जल का ऑक्सीकरण होता है। नेक्स्ट है, अगला सवाल देखिए, बोल रहा है कि विज्ञान की वह शाखा जो जीवन और वातावरण के बीच संबंध को बताती है, वह है पारिस्थितिकी। यानी कि विज्ञान की वह शाखा जो जीवन और वातावरण के बीच संबंध बताता है, तो पारिस्थितिकी जो है ये जीवन और वातावरण के बीच संबंध को दर्शाता है। नेक्स्ट देखेंगे। तो अगला सवाल है
कि मुंह तक पानी से भरे ग्लास के अंदर जब तैर रहे बर्फ का टुकड़ा पिघलता है तो जल का स्तर अपरिवर्तित रहेगा। यानी कि देखिए, कोई अगर ये बाल्टी है, अगर आप इसमें बर्फ का टुकड़ा डाल दीजिएगा, अगर ये पिघलेगा, ये बर्फ का टुकड़ा अगर पिघलेगा, इसमें पानी में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, ठीक है। तो यानी कि मुंह तक पानी से भरे ग्लास के अंदर जब तैर रहे बर्फ का टुकड़ा पिघलता है तो क्या होगा, ये जल का स्तर जो है अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, यानी कि सेट नंबर, प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में मिलेंगे। ठीक है, ये मेरा 2 था और अगला देखेंगे सेट नंबर 3। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।